एक साल में आने वाला मेला नगर परिषद के लिए धंधे का मामला बन चुका है। मेला आते ही कर्मचारियों की रूह खुश हो जाती है। कुछ नकारात्मक पार्षद, सभापति व कर्मचारी, इनको सिर्फ धंधों से मतलब है, जनता चाहे भाड़ में जाए। जवाहर प्रदर्शनी बीच यात्रा मेले को लेकर नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। 31 अगस्त से शुरू होगा मेला, लेकिन अभी तक मैदान की सफाई नहीं हुई। डीग जिला कलेक्टर ने परिषद के आयुक्त को तालाब की सफाई के आदेश दिए थे, लेकिन नगर परिषद आयुक्त नहीं करा रहे तालाबों की सफाई। डीग शहर में नगर परिषद के आयुक्त उड़ा रहे हैं जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां। जिला कलेक्टर के निर्देश पर भी नहीं हो रहे नगर परिषद के कार्य पूरे। नगर परिषद ने 2 महीने पहले किए थे 23 लाख रुपए का टेंडर नाली सफाई को लेकर, जो कि अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। डीग जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले को लेकर नगर परिषद कर्मचारी और नगर परिषद आयुक्त की अपनी मनमानी चल रही। मेले मैदान में लाखों रुपए की लगी थी लाइटें, लेकिन अभी तक एक भी नहीं जल पाई। लोहे के पोल में आ रहा है करंट और पोल भी टूटे हुए। जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले में हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। बताओ भाई साहब। बाबू जी, वो कभी आज तक जीवन में कभी दुकान उठी नहीं है, जो आज नंबर 2 में दुकान उठ के मिली है। आज तक हमारे पिताजी भी आए, उनसे पहले कभी जीवन में नहीं दुकान लगी खदले की उस तरफ। वो बोली लग के उठी है? हैं? बोली लगा के उठी? बोली लगा के नहीं उठी, ऐसे ही उठी है। नगर पालिका ने ऐसी दी है। अच्छा जी बाबू जी, बोली नहीं लगी है खदले की, जबकि पहले हमारी खदले बोली लगती थी, 1 नंबर से लगी है। उसके बाद कोई खदला है ही नहीं, आज तक जीवन में नहीं लगा। हमारे बाबा भी आते थे, पापा भी आते थे, कभी खदला नहीं लगा उस साइड। पहली बार लग रहा है उधर। आपका शुभ नाम? घनश्याम गुप्ता साहब। कहाँ के रहने वाले हो? औरैया उत्तर प्रदेश के। तो आपने यहाँ कितनी दुकान लगी है? हमने यहाँ साहब 12 दुकानें ली हैं। कितने रुपए में ली हैं? हमें मिली है बाबू जी बोली में 4 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए में? तो इनकी क्या सुविधा है यहाँ पे? सुविधा तो बाबू जी कोई समझ में नहीं आ रही इनकी है। मिट्टी छन वगैरह कुछ नहीं? बाबू जी देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है सब सिस्टम, कोई नगर परिषद। 4 लाख रुपए की दुकान लेने के बाद में कोई सुविधा नहीं दी जा रही नगर परिषद? कोई सुविधा नहीं है साहब। लेने से पहले क्या कहा था इन्होंने? सब सुविधा मिलेंगी साहब, मिट्टी वगैरह डलवाएंगे, छन डलवाएंगे। कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं। आपको कितने दिन हो गए ऐसे पड़े पड़े? हमें आगे 10 दिन हो गए बाबू जी। 10 दिन हो गए पड़े पड़े, 4 लाख रुपए लगाकर आपने खेला जुआ। पहले बाबू जी जमा कराए गए हमारे, तो पहले एडवांस जमा है जी बाबू जी, फिर भी कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। ये है डीग नगर परिषद का हाल। उसके बावजूद खदरे की दुकान हमारी लगती थी बाबू जी, उसके आगे कोई खदरा नहीं लगता था, उसके आगे भी खदरा लग रहा है बाबू जी। अच्छा, ये मनवानी नगर परिषद जी बाबू जी, वो उसके आगे भी खदरा लग रहा है। जब आज तक जब जमा हमारे पिताजी आते थे, उससे पहले से नहीं लगता था बाबू जी, कभी नहीं लगा उस मोड़ उस तरफ खदरा, और उस तरफ भी खदरा लगवाया जा रहा है। ये सब जी नगर पालिका जी नगर पालिका ही लगवा रही है साहब। अच्छा जी, और इधर भी कोई पानी की कोई सुविधा है नहीं इधर कहीं। ये 10 दिन से दुकान लेके पड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं, ना दुकान लगने की कोई व्यवस्था बन पा रही है इनकी। यहाँ पानी भरा हुआ है, डेली बरसातें आ रही हैं। 4 लाख रुपए लगाकर बैठे हुए हैं 10 दिन से।